दोस्तों जियो फोन नेक्स्ट अनाउंस हुआ है। इसके अलावा रिलायंस की जो AGM हुई, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपने प्लान्स बताए, स्ट्रेटजीज बताई किस तरीके से आगे कंपनी काम करेगी। लेकिन हमारे इंटरेस्ट में आया जियो से रिलेटेड जितना भी इन्फॉर्मेशन मिला जियो नेक्स्ट फोन को लेके। इसके अलावा जियो फाइबर के बारे में कुछ बताई, तो इस वीडियो में एक ब्रीफ से बात करने वाले हैं जियो फोन नेक्स्ट के बारे में, क्या क्या है, 5G की क्या अपडेट आई है और बाकी चीज़ें क्या क्या, एक शॉर्ट में बात करते हैं। सबसे पहले नए बिजनेस की तरफ बात करते हैं। रिलायंस ने एक नए बिजनेस के बारे में बताया जो वो स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी, जिसका जो एनर्जी से रिलेटेड होने वाला है। इसका मतलब सोलर पैनल्स और बैटरीज और ये सारी चीज़ों को, सोलर एनर्जी को यूज़ करके ग्रीन एनर्जी में यूज़ करने के लिए 4 फैक्ट्रीज ये लोग नई लगाएंगे, जिसको 4 गीगा फैक्ट्रीज बताया गया है। तो इससे ये लोग 100 गीगावाट तक की एनर्जी जनरेट करेंगे, जो कि 2030 तक का प्लान है। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें और बताई गई, जैसे कि जियो के बारे में बात करें तो जियो फोन नेक्स्ट, जो कि गूगल के साथ इन्होंने के अल्ट्रा अफोर्डेबल मतलब 4G में किलर फोन होने वाला है। आपको याद होगा गूगल ने अपना एंड्रॉयड 1 वाला प्लेटफॉर्म निकाला था, सस्ते फोन निकाले थे कार्बन स्पाइस और माइक्रोमैक्स के साथ शायद, और वो 3-4 हज़ार रुपये में एंड्रॉयड 1 के फ़ोन्स दे रहे थे, प्योर एंड्रॉयड स्टॉक एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस। कुछ उसी तरीके से अब स्पेशल जियो के साथ पार्टनरशिप करी है गूगल ने, और इसमें इनके जियो के साथ एक फ़ोन बनाया है अल्ट्रा अफोर्डेबल 4G फ़ोन उसको बोल रहे हैं। उसके फीचर्स के बारे में बात करें तो कैमरा बहुत बढ़िया होने वाला है जो बताया गया है। इसके अलावा लैंग्वेज ट्रांसलेशन और कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ जैसे कि ऑटो रीड आउट लाउड वाला फंक्शन या वॉइस असिस्टेंट, ये काफ़ी सारे एडिशनल फीचर्स स्पेशली ऑप्टिमाइज किया गया है जियो के इस हैंडसेट के लिए। और दोस्तों यहाँ पे कैमरा के बारे में बात करूँ तो कुछ कैमरा सैंपल्स स्पेशली लीक होके आए हैं हमारे पास, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लगा देता हूँ। लिंक पे आप क्लिक करोगे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी किस तरीके कैमरा यहाँ पे है, SDR मोड, नाइट मोड और स्नैपचैट के फिल्टर्स, पता नहीं क्या क्या इन्होंने ऐड किया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर चेक कर लेना, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। टारगेटिंग की बात की जाए तो ये उन लोगों के लिए टारगेट किया जा रहा है जो अभी तक 2G या 3G के फोन्स पे अटके हुए हैं, जिन्होंने अभी तक 4G को एक्सपीरियंस ही नहीं करके देखा है। उनके लिए जो फर्स्ट 4G का फोन हो सकता है वो ये वाला फोन हो सकता है, ऐसा उनका कहना था। जो उन्होंने स्पेशल टैगलाइन बनाई यहाँ पे, 2G मुक्त और 5G युक्त, मतलब इंडिया को 5G की तरफ लेके जाएंगे सीमलेसली। और इसके अलावा 2G वाले यूज़र्स को अब 2G का एरा बिल्कुल ख़त्म करना है, 3G का एरा ख़त्म करना है, वहाँ से जो ट्रांजिशन करेंगे उसके लिए ये फ़ोन डेवलप किया गया है और उन लोगों को टारगेट किया गया है। तो यार इसके लॉन्चिंग के बारे में बात करें तो 10 सितंबर डेट निकल के आई है, गणेश चतुर्थी के दिन पे ये लोग लॉन्च करेंगे। और प्राइसिंग के बारे में बात करें तो प्राइसिंग ऑफिशियल तो कुछ भी नहीं निकल के आई है, लेकिन अनऑफिशियली अगर आप एक अफोर्डेबल 4G फोन लगा रहे हो, जिसको इन्होंने बोला है कि इंडिया का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे सस्ता और बढ़िया 4G फोन होने वाला है, तो मैं अंदाजा लगा रहा हूं कुछ 4-5 हज़ार रुपए तक का ये हो सकता है, कंसीडरिंग कि गूगल का 1 प्लेटफॉर्म इसके साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं और बहुत सारे फीचर्स जो ये गिना रहे हैं। तो 4-5 हज़ार रुपए एक बहुत डिसेंट प्राइस है इस फोन के आने के लिए। इसके अलावा दोस्तों 5G के बारे में बात करें तो 5G का सीमलेस इंटीग्रेशन बताया जियो ने कि बहुत जल्दी बिल्कुल सीमलेसली इंटीग्रेट करेंगे ये लोग 5G, और साथ में गूगल क्लाउड को यूज करेंगे अपने 5G को यहाँ पे लॉन्च करने के लिए। तो गूगल यहाँ पे सॉफ्टवेयर वाइज किंग हो गया और जियो यहाँ पे टेलीकॉम वाइज बहुत अच्छा प्लेयर हो गया, तो ऐसे में इन दोनों की इंटीग्रेशन बहुत बढ़िया रहने वाली है। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है कि पहले जियो फोन आया, फिर जियो फोन 2 आया QWERTY वाला जो कि बहुत बुरी तरह फेल हुआ, और अब ये लेके आ गए हैं जियो फोन नेक्स्ट जो कि प्योर एंड्रॉइड एक्सपीरियंस के साथ आएगा अपना टच वाले फोन में। तो ऐसे में क्या आप ऐसे फोन में 4-5 हज़ार रुपए इन्वेस्ट करना समझदारी समझोगे, या फिर 8-10 हज़ार रुपए में जाकर के रियलमी रेडमी या फिर ओप्पो वीवो वाली सीरीज आपके लिए सही रहेगी? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं सकास्टिक सिंधी। अंटिल नेक्स्ट टाइम स्टे सेफ, स्टे सकास्टिक। See ya!